इंडिया गॉट टैलेंट विनर इशिता विश्वकर्मा आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है। इशिता बहुत स्वागत है। नमस्ते, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वापस से अपने घर पधार कर जबलपुर आकर, और पल पल इंडिया न्यूज़ में हमेशा बनी रही हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पहले वोट मांगने आई थी, अब ट्रैफिक लेके आई है, क्या कहना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि पहले आप सबसे जो वोट्स की अपील करने आई थी, वोट्स मांगने के लिए आई थी, लोगों ने इतने भर भर के मुझे अपना प्यार दिया और इतना साथ दिया कि उन्हीं को देते हुए उन्हीं की ट्रॉफी जो है वहाँ से लेकर आई और अपने नाम की, तो ये नर्मदा मैया का कोई आशीर्वाद है और यहाँ के जबलपुर के लोगों का इतना प्यार है जो वो ट्रॉफी हमारे जबलपुर आ सकी। कितनी मेहनत लगी इसके पीछे, कितना श्रम परिश्रम किया, हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे आपको, कई बार स्टेज पे हमने गाते हुए देखा, मम्मी के साथ काफ़ी बचपन से हम लोग देख रहे हैं आपको। मैं यही मानती हूँ कि अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी छोटा नहीं होता कभी, तो बचपन से ये संघर्ष भी काफ़ी रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है जो जीवन सिखाता है, मतलब एक्सपीरियंसेस ही बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो कुछ वैसे ही मेरा भी ये सफ़र चलता चला गया, बहुत सी बातें कुछ नई सीखी, कुछ नया एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मिलती रही, पर मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मेहनत की, अगर श्रम किया मैं और परिश्रम किया तो उन्हें सफलता मिली, तो यही मेरा सभी जो भी मेरे उम्र के लोग हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि नेवर लूज होप, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलती है। इतना चैलेंजिंग होता है जब आपकी उम्र के बच्चे होते हैं, वो जॉब में आते हैं, मेहनत करते हैं, ऊपर तक पहुँचना, कितना चैलेंजिंग आप इसको मानते हैं? मैं ये मानती हूँ कि रास्ता तो हमेशा कठिन ही होता है, और मतलब यही कहना चाहूँगी कि एक ही चीज़ है बस जीवन में जो कि आप कर सकते हो, वो है मेहनत, बाकी तो फिर किस्मत है, प्यार है, साथ है, सपोर्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ है मेहनत करना, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ मानती हूँ कहीं ना कहीं कि सफलता को बिना कभी ना कभी। शो में एक चीज़ हमेशा देखने मिली, वो चर्चा में भी थी, मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट थी, ओवरकोट जो आप हमेशा पहनती थी, क्या रीज़न था उसका, क्या राज उसके पीछे? जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन मैंने दिया था, उस दिन मेरे पापा को गुजरे 15 दिन हुए थे, और क्योंकि मैंने मेरे पिता का दाह संस्कार किया था, 13 दिन तक मैं कहीं नहीं गई थी, और 14वें ही दिन ये डिसीजन ले लिया था कि हम मुंबई तक का सफ़र तय कर रहे हैं, और 15वें दिन वो ऑडिशन देना था, तो सामाजिक तौर पे भी ये करना काफ़ी हिम्मत भरा था हमारे लिए, क्योंकि इस चीज़ को बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर जैसे लोगों के मन में कहीं ना कहीं दुख था, मेरे मन में कहीं ना कहीं एक ज़िद थी कि मानती हूँ कि पापा नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके संघर्ष, उनका देखा हुआ सपना और उनका किया हुआ परिश्रम, वो उस सब का क्या, और भले ही पापा नहीं है लेकिन माँ है, और माँ ने अपने जीवन भर जो इतने कष्ट सहे हैं, जितनी मेहनत की है, और मैं सच कहूँ तो मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की और बहुत परिश्रम किया है, तब जाके आज मुझे ये सारी चीज़ें मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में सिर्फ उनके ही किए हुए सब सैक्रिफाइसेस नज़र आ रहे थे, तो मेरे मन में केवल एक ज़िद थी कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेती हूँ या सफल हो जाती हूँ, या मेरी बहन को कुछ अच्छा एक अगर करियर बना देती हूँ, जिस दिन अगर मतलब जिस दिन मैं कुछ बन गई और मैंने मेरी बहन को बना दिया, उस दिन मैं मानूंगी कि मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी और सच मायने में मेरे माँ बाप खुश होंगे अपने जीवन से। छोटी बहन अभी किस तरह की प्रिपरेशन कर रही, क्या चाहती है वो आगे, क्या बनाना चाहते हैं आप उसको? मैं तो उसे देखिए कुछ ऐसे फोर्सफुली नहीं बनाना चाहती, उसका जीवन है उसकी। क्या सोच रखा उसने अपनी लाइफ के बारे? अभी तो वो बहुत अभी चूज़ नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी सिर्फ वो 7th क्लास में है, काफ़ी छोटी है, तो अभी हम उसको पढ़ने देते हैं कि उसका जिसमें मनो, ड्राइंग पेंटिंग का काफ़ी शौक है, पढ़ाई का काफ़ी शौक है, मेरे करियर की वजह से कहीं ना कहीं उसको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, पर यह है कि उसने कभी अपनी पढ़ाई और कभी अपने लक्ष्य से वो नहीं भटकी, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके करियर के लिए, चाहे मैं कैसे भी हेल्प कर सकूँ या कैसे भी, ये मेरा फ़र्ज़ है, हेल्प तो गलत शब्द हो गया, मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभा सकूँ। अच्छा, अभी मूवीज़ की हम बात कर रहे थे, तो आगे कौन सी मूवीज़ में आपको रोल प्ले वगैरह करने की बात सामने? जी तो द इनकार्नेशन सीता करके अभी एक फिल्म बन रही है कंगना रनौत जी के ऊपर,
और मतलब कंगना रनौत जी सीता माँ का उसमें किरदार निभा रहे हैं, जय अतुल जी का म्यूज़िक है, अलौकिक देसाई जी उनके डायरेक्टर रहने वाले हैं, और हमारे शो के जज थे मनोज मुंतशिर सर जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया, और बस अगले महीने से ही जब हम मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं तो उस पर हम काम शुरू करेंगे। क्या रोल होगा उसमें आप उस मूवी पे आपका? उसमें एज अ प्लेबैक सिंगर मैं गाने गाने वाली हूँ और बहुत जल्दी लोगों को बड़े पर्दे पे आवाज़ मेरी सुनाई देगी। पीपल इंडिया के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश, संस्कारधनी वालों को क्या आप कहना चाहिए? जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं जो अभी पलपल इंडिया न्यूज़ पे हमें देख रहे हैं, आप सभी को बस मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और यही कहना चाहूँगी कि आज आप ही के प्यार ने और आप सबके ही आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इस सम्मान को, इस आशीर्वाद को यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा ताकि मैं सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, अपने शहर को और अपनी संस्कारधानी को और जितना शिखर तक पहुंचा सकूं, उतनी मेरे पूरे प्रयास रहेंगे और आप सबका साथ भी हमेशा मिलता रहे। तो पलपल इंडिया से बात करने के लिए, पलपल इंडिया स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, पलपल इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू, और हमेशा इतना प्रोत्साहन देने के लिए भी धन्यवाद। तभी खान के साथ अमित सोनी, पलपल इंडिया, जबलपुर।